हेलो फ्रेंड्स, आज हम सूजी और बेसन का लड्डू मिलाकर बनाने जा रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ। तो मैंने अब कढ़ाई यहाँ पर रख दी हूँ। इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देती हूँ। इसमें अब मैं बेसन डाल दे रही हूँ, फिर सूजी इसी में डाल दे रही हूँ। अब इन दोनों को मिलाकर फिर मुझको भूंज लेना है। इसे हमको लो फ्लेम पर करके भूनना है, नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा। और हमको तब तक इसको भूनना है जब तक ये हल्का ब्राउन कलर में न आ जाए। देखिए, ये अब हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसको हम उतार देते हैं। इसमें से अच्छी खुशबू भी आने लगी है। ये अच्छे से ठंडा होगा। इसमें 1 कटोरी पानी हम डाल दिए हैं। इस चाशनी को हमको चीनी घोलते समय तक चलाना है। तो देखिए, चाशनी मेरी अच्छे से बन रही है, इसमें उबाल आ गया है। तो देखिए, चीनी मेरी घुल गई है। और इसे हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। तो देखिए, अब ये मेरी चाशनी बन के तैयार हो गई है। इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए, इसमें से 1 तार बनने लगा है। इसको हम उतार देती हूँ। देखिए, सूजी मेरी हल्की गर्म है। अब इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। तो देखिए, इसमें हम चाशनी डाल करके मिला देते हैं इसको। देखिए, ये बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम लड्डू बना लेते हैं। देखिए, ये तैयार हैं। इसी तरीके से सारे लड्डू बना लीजिए। देखिए, सभी लड्डू बनके तैयार हैं और देखिए कितनी सॉफ्ट हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।